हेलो एवरीवन, आई एम मानसी जैन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं रिवर्स मॉर्गेज लोन के बारे में। आपने नॉर्मल लोन्स के बारे में सुना होगा ना, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, और भी लोन्स होते हैं, नॉर्मल लोन्स होते हैं। जैसे हम एक हाउसिंग लोन ले लेते हैं, उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स को एक विला खरीदना है और वो कुछ करोड़ों का है, उनको उसके लिए उनके पास अभी इतना पैसा है नहीं, तो वो क्या करेंगे, बैंक के पास जाएंगे और लोन के लिए कहेंगे, बैंक मान जाएगा। अब बैंक लोन किस तरीके से देता है, वो बिल्डर को लोन दे देता है और बिल्डर घर मिस्टर एक्स को दे देता है। मिस्टर एक्स साल दर साल बैंक को पेमेंट करते रहते हैं और लोन चुकता कर देते हैं, और लोन का पूरा पूरा जब लोन खत्म हो जाता है तो मिस्टर एक्स को ये घर के पेपर्स बैंक से मिल जाते हैं। ये होता है एक नॉर्मल हाउसिंग लोन। अब रिवर्स मॉर्गेज लोन क्या होता है, रिवर्स मॉर्गेज लोन कौन ले सकता है, कब ले सकता है, ये सारा हम वीडियो इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि भाई होता क्या है और रिवर्स मॉर्गेज को रिवर्स मॉर्गेज क्यों कहते हैं। देखो, रिवर्स होते हैं उल्टा। जैसे मैंने आपको कहा, नॉर्मली लोन मिल जाता है और जो बोरोअर है वो पेमेंट रीपेमेंट करता रहता है, इसमें उल्टा होता है। इसमें जो है बैंक आपको जो है पेमेंट करता रहता है। क्यों करता है बैंक पेमेंट, क्यों करेगा? देखो, अब हम पहले एक सिनेरियो, एक कहानी क्रिएट करते हैं कि एक सीनियर सिटीजन है, मिस्टर वाई एंड मिसेस वाई उनकी वाइफ है और दोनों 65 इयर्स के हैं, और मिस्टर एक्स मिस्टर वाई का जो है बिजनेस था, सपोज करते हैं शूज को बना के बेचते थे, अच्छा बिजनेस था, मगर अब वो बड़े हो गए, अब वो आगे काम नहीं करना चाहते, तो उन्होंने बिजनेस को खत्म कर दिया, बेच बूच दिया। अब देखो, उनका पास घर तो बहुत बड़ा है, मगर अब इस घर को मेंटेन करने के खर्चे कैसे करें, वो है नहीं पैसे उनके पास, कैश फ्लोज नहीं आ रहे ना। अच्छा, अब घर को तो मेंटेन चलो करने के खर्चे अलग हो गए, अपने डेली के एक्सपेंसेस कैसे इनकर करें, कपड़े का, खाने का, कैसे इतने सारे खर्चे होते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस कैसे करें, तो इन सब एक्सपेंसेस के लिए कैश फ्लो चाहिए जो दोनों हस्बैंड वाइफ के पास नहीं है। बेटा है मगर वो बाहर रहता है, वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहा किसी वजह से, तो अभी ये है सिनेरियो कि उनके पास कैश फ्लो नहीं है, उनको सख्त जरूरत है। अब उनके पास घर है, मगर घर का वो क्या कर सकते हैं, अब ये बात को समझियो, बैंक के पास जाएंगे, अपना घर मॉर्गेज कर देंगे बैंक को मॉर्गेज कर दिया। अब बैंक जो है इन दोनों सीनियर सिटीजन को पैसे देता रहे, और ये जो बैंक एक तरीके से अब लोन दे रहा है ना, तो अब क्या हो रहा है कि जो ये पैसा है ये इकट्ठा होता रहेगा, प्रिंसिपल इस पे इंटरेस्ट लगता रहेगा, मगर जब तक बोरोअर जिंदा है तब तक उसको इस पर कोई पेमेंट नहीं करना है। ये होता है रिवर्स मॉर्गेज लोन। इसको रिवर्स मॉर्गेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कंसेप्ट ही उल्टा हो जाता है। जहां बोरोअर बैंक को पेमेंट करता था, वहां बैंक बोरोअर को पेमेंट करता, मंथली पेमेंट हो सकता है, डिसबर्समेंट हो सकता है, क्वार्टरली डिसबर्समेंट हो सकता है, हाफ ईयरली या एनुअल डिसबर्समेंट हो सकता है ना। इससे क्या होता है, दोनों हस्बैंड वाइफ को पैसा मिल जाता है तो वो अपने एक्सपेंसेस जो है मैनेज कर पाते हैं। अब ये तो हो गया कि भाई रिवर्स मॉर्गेज लोन क्या होता है, अब आगे चलते हैं कि रिवर्स मॉर्गेज लोन कौन ले सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि कौन इसको ले सकता है रिवर्स मॉर्गेज लोन को। आप इंडियन सिटीजन है तो 60 ईयर से ज्यादा के होने चाहिए, अगर मैरिड कपल है तो दोनों में से एक 60 ईयर से ज्यादा का हो, कम से कम एक, और दूसरा 55 से नीचे का ना हो, यानी कि कम से कम 55 साल। ठीक है, अब जो लोन ले रहा है वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कहाँ हो, इंडिया में। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसकी रेसिडुअल लाइफ एटलीस्ट 20 इयर्स होनी चाहिए, और ये जो बोरोअर है ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी उसका परमानेंट प्राइमरी रेसिडेंस होना चाहिए। ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब जो आरएमएल है वो कैसे मिलेगा जो बोरोअर है उसको, तो वो पीरियोडिक पेमेंट से मिल सकता है, यानी कि मंथली मिल जाए, क्वार्टरली मिल जाए, हाफ ईयरली एनुअल पेमेंट्स हो जाए, या लंपसम पेमेंट्स हो जाए, यानी कि एक बार में हो जाए, या दोनों का कोई कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब टैक्स की बात करते हैं, तो देखो दो चीजें आती हैं इसमें, एक तो आता है आपका क्या कि पीरियोडिक पेमेंट जो मिल रही है बोरोअर को, वो बोरोअर के लिए एग्जेम्प्ट है, उसके लिए टैक्सेबल नहीं है। दूसरी चीज, जो गिरवी रखा गया था घर, तो वो एक ट्रांसफर ही नहीं है, उसमें भी कोई टैक्स नहीं है, तो दोनों ही चीजों पे कोई टैक्स नहीं है। सबसे पहले आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है,
तो आरएमएल पे कोई कैपिटल गेन टैक्स पहले नहीं लगता, बाद में जब प्रॉपर्टी बिकती है, अगर बिक रही है तो तब कुछ होता है, वो मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। रिवर्स मॉर्गेज लोन का मैक्सिमम टेन्योर क्या है, यानी कि मैक्सिमम कितना पीरियड है जिसके लिए ये लोन बोरोअर को मिल सकता है, 20 साल। अब नेक्स्ट आता है कि आरएमएल, जिसे मैंने कहा कि भाई जब तक बोरोअर जिंदा है तब तक तो उसे पेमेंट करना नहीं है, तो कब करना है पेमेंट, है ना, यानी कि आरएमएल ड्यू कब हो जाता है रीपेमेंट के लिए। आरएमएल ड्यू कब होता है, देखो मैंने आपको बताया था कि जब तक लास्ट सर्वाइविंग बोरोअर जिंदा है तब तक उसको कोई पेमेंट नहीं करना है। तो पेमेंट कब करना है, जब वो मर जाएंगे। पेमेंट किसको करना है, लीगल हेयर्स को। तो अब पेमेंट किस चीज का करना है, पहले तो ये समझो, मेन चीज ये है कि जो पीरियोडिक पेमेंट मिल रहा था बोरोअर को उस पर इंटरेस्ट भी लगता जा रहा था, वो इंटरेस्ट की पेमेंट कभी आपसे मांगी नहीं गई। अब जब वो मर जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, अब जब लीगल हेयर्स आएंगे तो लीगल हेयर्स को अगर घर वापस चाहिए तो वो ये सारा पेमेंट बैंक को कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, घर ले लेंगे, बहुत लॉजिकल सी बात है। उनको तो घर नहीं चाहिए तो अब कैसे रीपेमेंट होगा, बैंक घर को बेच देगा, जो मॉर्गेज किया गया था घर उसके पास बैंक के पास वो बेच देगा, जो सेल प्रोसीड्स आई थी उसमें से आरएमएल को सेटल कर दिया जाएगा। आरएमएल बोले तो रिवर्स मॉर्गेज लोन, उसको इन सेल प्रोसीड्स में से सेटल कर दिया जाएगा। सेटलमेंट के बाद जो बचा हुआ पैसा होगा वो लीगल एयर्स को मिल जाएगा और उस पैसे पे लीगल एयर्स को टैक्स देना है। तो टैक्स किस चीज पे देना है, जो लास्ट में घर बिकता है, फिर जो बचता है, जो लीगल एयर्स को मिलता है उस पर लीगल एयर्स को टैक्स देना है, बस। ना वो पीरियोडिक पेमेंट पे टैक्स देना है, ना जो घर गिरवी रखा गया था वो ट्रांसफर है, और किसी चीज पे नहीं लगता है। ये बात आपको समझनी है। अब एक बहुत अनयूजुअल सा केस है जो मैं बता रही हूं। क्या होता है कि अब सपोज करो कि बोरोअर गायब हो गए, तो पहले तो बैंक बहुत कोशिश करेगा ढूंढने की, बोरोअर को अपनी पूरी कोशिश करेगा ढूंढने की कि किसी तरीके से मिल जाए। अब तब भी पैसे तो इकट्ठे होते रहेंगे उनके बैंक में, मगर कोई यूज तो कर नहीं रहा। तो एक पर्टिकुलर सफिशियंट टाइम पीरियड के बाद जब वो ये बात को डीम कर लेंगे बैंक कि अब तो ये बोरोअर मिलेगा नहीं, अभी गया, फिर जो है वो हाउस प्रॉपर्टी को बेचेंगे। जब उनके पास कोई रिजॉर्ट, कोई रास्ता ही नहीं बचेगा, तब हाउस प्रॉपर्टी को वो बेचेंगे। अब हाउस प्रॉपर्टी को बेच के अपने ड्यूज निकाल के जो अमाउंट बचेगा वो बोरोअर का ही रहेगा और वो बैंक के पास ही रहेगा, वो बैंक का नहीं है, वो बोरोअर के बिहाफ पे बैंक अपने पास रख रहा है। जब भी बोरोअर आया उसको वो ड्यूज मिल जाएंगे, वो जो सरप्लस था वो उनको मिल जाएगा। ये भाग बहुत इंपॉर्टेंट है समझने आपके लिए। अब नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि अब जितना भी प्रिंसिपल और अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट था, सपोज करते हैं जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो उस प्रिंसिपल और अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट से कम है, यानी कि वो पूरा अमाउंट ही बैंक वसूल नहीं पा रहा है, तो अब क्या होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके दिमाग में आता होगा, भाई लास्ट में अगर जो टोटल ड्यूज लेंडर को देने हैं बोरोअर ने, वो अगर प्रॉपर्टी के वैल्यू से ज्यादा होगा तो क्या करेगा बोरोअर। तो आई एम वेरी प्लीज टू टेल यू कि सारे जो ये आरएमएल होते हैं इसमें एक नो नेगेटिव इक्विटी, या इसको आप बोल सकते हैं नो नॉन रिकोर्स गारंटी होती है, यानी कि जो बोरोअर है वो लेंडर को खाली प्रॉपर्टी की एनआरवी तक ओ कर सकता है। अगर उससे ज्यादा लेंडर का लोन बनता है तो उसमें कुछ नहीं कर सकता बोरोअर, उसको कुछ नहीं करना उस केस में। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भाई जो लोन का टेन्योर है, अगर बोरोअर उसके अंदर नहीं, उसकी डेथ होती है, उससे ज्यादा बोरोअर जीता है, तो अब लोन का टेन्योर खत्म होने के बाद बोरोअर क्या करेगा, क्या वो घर में रह सकता है या वो घर में नहीं रह सकता। अगेन मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि अगर लोन का टेन्योर खत्म हो जाता है तो आपको घर नहीं छोड़ना है, आप उस घर में रह सकते हैं, आप उस घर में रहते रहिए, आपको लोन अपने लाइफ टाइम में वापस भी नहीं करना है, बस आपको पीरियोडिक पेमेंट जो मिल रही थी वो नहीं मिलेगी, और जब तक आप जिंदा हैं तब तक इंटरेस्ट लगता रहेगा बस। तो ये अच्छी बात है कि आपको घर छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा। जब आपकी, जब बोरोअर की जो है डेथ हो जाती है फाइनली, या
ही और शी मूव्स आउट ऑफ द हाउस परमानेंटली, फिर लोन को रीपे किया जाता है, बस सिंपल. अब मन में ये सवाल उठता है कि आपके, हो सकता है किसी की उठ रहा हो कि भाई अगर भगवान ना करे मगर अगर बोरोअर की डेथ हो जाती है तो स्पाउस का क्या होगा, क्या स्पाउस उस घर में रह सकती है? हाँ, स्पाउस उस घर में रह सकती है. जनरली तो क्या होता है कि ओनर और स्पाउस जॉइंट बोरोअर्स होते हैं, तो अगर बोरोअर की डेथ भी हो जाती है तो स्पाउस उस घर में अपना जिंदगी पूरी गुजार सकती है और RML की पेमेंट भी उनको मिलती रहेगी जैसे मिलती थी. ठीक है. अब एक और हो सकता है सवाल आपके दिमाग में आ रहा हो कि भाई प्रॉपर्टी तो वाइफ के नाम पे है तो क्या हस्बैंड लोन ले सकते हैं? तो लोन तो वाइफ को ही मिलेगा मगर हस्बैंड को बोरोअर बन सकते हैं. ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन रिवर्स मॉर्गेज लोन के बारे में. आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा हो, कोई शंका हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट्स में बात कर सकते हैं. प्लस आपको अगर मेरे टैक्सेशन के लेक्चर्स चाहिए तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिल जाएगी. और मैं टेलीग्राम चैनल पे भी हूँ, आप मेरे से और भी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम, फेसबुक एट्सेट्रा, उसकी भी आपको लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगी. थैंक यू, और मैं आपसे फिर मिलूंगी परसों एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए गुड बाय.